हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट चैनल बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का पहला चैप्टर, मींस कहें तो एनसीईआरटी क्लास 12th की पांचवी चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर यहां से क्वेश्चन की वेटेज की बात करें, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो या जिपमर हो, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज बनता है। लेकिन कुछ मजबूरियां रही हैं एनसीईआरटी में, यहां से क्वेश्चन सेट नहीं किए जाते हैं। कुछ लैंग्वेज भी अलग होती, आप पिछले 10 सालों का पेपर देखोगे तो एनसीईआरटी की बिल्कुल लैंग्वेज इसमें होती नहीं है। 5 में से 1 क्वेश्चन म्यूटेशन से रिलेटेड आता है और 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डिसऑर्डर से रिलेटेड आते हैं। जो भी लास्ट में डिसऑर्डर दे रखे हो, जो भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, उससे आते हैं क्वेश्चन। और भी जो क्वेश्चन बचे, 1 या 2 क्वेश्चन, वो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी को अंडरलाइन नहीं किया है, क्योंकि आपका भी वो टाइम बर्बाद होगा। जो भी चीज मैं बता दूंगा कहां पे कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां मैं जरूर फोकस करूंगा जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो 4 से 5 वेटेज रखता है क्वेश्चन का। इसके बाद हम देखेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारा अगला वीडियो आएगा, और उसके बाद इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर बेहद खास हैं, यहां से 12 से 13 क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे के पूरे यूनिट से, तो काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे ये चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जो पहला पैराग्राफ बता रखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसा है नहीं, इसमें सिर्फ कहानियां बता रखी हैं कौन कौन लोगों ने डिस्कवरी की है। इसके बाद हम आते हैं तो इसमें वाटसन के बारे में और क्रीक के बारे में, जिन्होंने डीएनए मॉडल दिया था, डीएनए का हेलिक्स मॉडल, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप ये भी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रही है, यहां से बहुत ही बड़ी चैप्टर है, 20 से 25 पेज कवर करती है ये चैप्टर, तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है और ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा लिखी गई हैं जो एग्जामों में पूछी नहीं जाती हैं। इसके बाद ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए जेनेटिक्स होता क्या है, जेनेटिक्स जनरली क्या है, तो बायोलॉजी का एक ब्रांच है। जेनेटिक्स के फादर अगर आपसे पूछे जाए तो मेंडल है, जेनेटिक्स टर्म अगर पूछा जाए तो बेटसन है। जेनेटिक्स आखिर होता क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं, चैप्टर में कहा भी गया है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मिस मेंडल के बारे में बात की जा रही है। मिस मेंडल नहीं तो जेनेटिक्स के बारे में चीजें स्टार्ट की थी। तो हेरिडिटी और वेरिएशन के कलेक्टिव स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। कहें तो हेरिडिटी होता क्या है, तो कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक मूव कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड हेरिडिटी। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन वो डिग्री होता है जिससे कोई भी पेरेंट्स, कोई भी प्रोजेनी, जो दोनों में डिफरेंस होता है, डेट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो कहते हैं कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों एक ही चीजें होती हैं। इनहेरिटेंस को कहा जाता है ये डेट इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी। तो समझ में आ चुका होगा आपको इंट्रोडक्शन कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपसे मॉर्गन से रिलेटेड चीजें जो पूछी जाएंगी वो मैं बता रहा हूं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स डेट इज मेंडल, ठीक है, ये मॉर्गन, सॉरी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे किया था, हम ड्रोसोफिला की भी बात करेंगे, आखिर क्यों मेंडल ने, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही चुना। अब फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स अगर आपसे पूछा जाए या बायोकेमिकल जेनेटिक्स, तो डेट इज ए गेरॉट, बहुत ही फेमस नाम ये भी। इसके बाद जो पहली चीजें हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद वेरिएशन की बातें यहां पे की गई हैं, कहानियों से आपको समझाया जाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद यहां पे कुछ 7 पेयर्स लिए गए जो मेंडल ने लिया था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, इसको एक बॉक्स में एनसीईआरटी ने अच्छे से दिया है। आपसे पूछा भी गया था कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए गए थे, तो टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए गए थे जिसको मेंडल ने स्टडी किया था। एक्चुअल डेटा जो मेंडल ने लिया था वो डेटा तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको कुछ कैरेक्टर्स और उनके क्या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं कुछ देर में आपको दिखाता हूं। ये तो आप डायग्राम यहां देख ही रहे हो, ये चीजें एनसीईआरटी ने दे रखी हैं, ये चीजें क्वेश्चन पूछा भी गया, शायद 2018 में ही आया था, कि मेंडल का जो डिस्कवरी रहा वो कब से कब तक का, तो 7 साले वो डिस्कवरी चली हैं, 1856 से लेकर 1863 तक, ये डेटा आप याद रखेंगे। एनसीईआरटी का एक भी चीज आपको मिस नहीं करना है, जो चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं समझना है वो बाइबल या गीता में चीजें लिखी हुई हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको तो पता ही होगा गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट वो हुआ है, पाइसम सेटाइवम जो होता है, तो उसके तो पहली बार मेंडल ही ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथ को बायोलॉजी में जिन्होंने यूज किया, और बहुत सारे सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत ही हाइब्रिडाइजेशन किया गया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहे वो मेंडल,
जो पाइसम सेटिवम होती है पी प्लांट, उसके बाद ये कुछ कैरेक्टर लिए जिन्होंने, मेंडल ने लिए 7 कैरेक्टर्स लिए। ये 7 कैरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे कैरेक्टर्स आप याद रखिएगा। पहला जो है स्टेम हाइट के बेसिस पे, नेक्स्ट फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप और सीड कलर के बेसिस पे। आपको क्रोमोसोम नंबर नहीं याद रखना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, पहले ये चीजें पूछी जाती थी। तो ये आप तो पहले कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट याद कर लीजिएगा, 7 होते हैं और कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसमें शामिल हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज यहां पर दे रखा है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन आपको टर्म अच्छे से समझना है, इमैस्कुलेशन होता क्या है। जनरली इमैस्कुलेशन कोई भी एंथर अगर है फ्लावर में, तो अगर हम एंथर को हटा रहे हैं डेट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। फिर उसके बाद बैगिंग की जाती है, ठीक है। अब यहां पर आपको बता रखा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में, तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो यहां पर आपको बता रखी है। मिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड यहां पर चीजें बताया जा रहा है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का मतलब हुआ कि यहां पर वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कराया जा रहा है, मिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जा रहा है, जिसमें हर एक कैरेक्टर इनहेरिटेड होता है, जिसकी रेशियो आपको पता ही होगा फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आती है। तो वो जनरेशन में देखिए इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, वो बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल होता है, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, ठीक है। तो 3:1 इसका रेशियो आता है। रेशियो किसका आया है, 12:12 का, जो 3 आया वो टॉल आया और ड्वार्फ जो 1 आया। 10th में भी आपने किया होगा इसका, ए बनाया होगा पनेटा स्क्वायर से एफ टू जनरेशन में मिला आपको फेनोटिपिक रेशियो। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट पेज पे यहां पे देख रहे हैं, यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यहां रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया है। एफ टू जनरेशन में आप यहां देख सकते हैं, यहां 3 हमें टॉल मिले हैं और 1 हमें ड्वार्फ मिला है, आप नीचे में ये देख सकते हैं। तो ये हमारा निकल कर आया डायरेक्ट फिनोटिपिक रेशियो, हमारे पास ये होता है। अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो बिल्कुल 1:2:1 यहां पे देखने को मिलता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीजें हैं यहां पे, ठीक है। जीन के बारे में आप जानते ही हैं, यूनिट्स होते हैं इनहेरिटेंस के, ठीक है। इसके आगे मेंडल इसे फैक्टर बोला करते थे, मैं अभी वो बताऊंगा कुछ चीजें, ठीक है। इसके बाद होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब जो टर्म है कुछ जो हमें कंफ्यूज करते हैं, क्यों ना हम उसे पहले से अच्छे से समझ लें। तो आखिर होमोजाइगस होते क्या है, तो अगर रफ लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सा होमोजाइगस होता क्या है, सिंपल सी अगर कोई चीजें प्योर हैं वो चीजें होमोजाइगस होती हैं। जैसे ये जैसे मैं बोल रहा हूं टॉल के लिए, बिल्कुल प्योर हैं ये चीजें। जैसे मैं राउंड के लिए बोल रहा हूं तो ये बिल्कुल, तो ये सब चीजें होमोजाइगस होती हैं। होमोजाइगस हमेशा प्योर होंगी। अगर किसी भी जीन के दो एलील अगर सिमिलर हैं और उसी सेम एलील के दो कॉपी एग्जिस्ट करते हैं तो डेट इज होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, समझ में आ चुका होगा आपको। इसके बाद हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस में हाइब्रिड का केस होता है। हेट्रोजाइगस में कैसा केस है, हाइब्रिड की केस इसमें बनती है। तो हाइब्रिड का केस का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मानो कि इस तरह अगर टी है तो यह स्मॉल टी आ गया, तो यहां पर हाइब्रिड है। अगर दो एलील पेयर में है और दोनों डिफरेंट हैं तो इसको हेट्रोजाइगस स्टेट बोला जाता है, समझ चुके होंगे आप। तो यहां बेसिक चीजें यहां पे एनसीईआरटी में बता रखी हैं। और बार बार एक टर्म आपको कंफ्यूज करता होगा, एलील ये क्या होता है। एलील कुछ नहीं है, जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म है जो सेम पोजिशन पे लोकेट होता है किसी भी होमोलोगस क्रोमोजोम पे। जैसे मानो ये लोकेशन है और यहां पे आपका टी है और यहां पे आपका टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के ही सेम पोजीशन पे होगा लोकेशन, तो जीन का ही अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। ये टर्म एलील जो है ये बैटसन ने दिया था, तो इतना समझ चुके होंगे आप। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये डोमिनेंट और रिसेसिव तो आप समझते ही हैं। डोमिनेंट क्या चीजें होती हैं, जैसे कोई भी एलील जो किसी फेनोटाइप के अपीयरेंस को प्रभावित करने की कोशिश करे, कोई प्रभावित करने का कोशिश करता है अगर, तो वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो उसका उल्टा आप कर सकते हैं रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट, तो आप इजी है समझ सकते हैं। इसके बाद जो बातें आती हैं निकलकर, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बातें आती हैं। तो ये चीजें भी सिंपल है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके आगे एक पनेटा स्क्वायर का जिक्र आता है, तो पनेटा स्क्वायर एक साइंटिस्ट थे, रेगिनाल्ड सी पनेट, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। ये पनेटा स्क्वायर आप यहां देख सकते हैं, यहां फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जेनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ये इजी क्वेश्चन एग्जामों में नहीं पूछे जाते हैं, पहले स्टेट पीएमटीज में ये चीजें पूछी जाती थी, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बात करते हैं, और अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें फिर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस का भी निकल कर आएगा। इसमें टेस्ट क्रॉस की बातें की जाएंगी, तो देखिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये सब चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम समझे बैक क्रॉस होता क्या है।
जैसे यहाँ पर जो भी डेटा वगैरह दे रखे हैं तो आप डेटा देख लेना। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस क्या होता है पहले तो आप ये समझो, उसके पहले मैं बैक क्रॉस आपको बताऊं। बैक क्रॉस क्या होता है, जो भी F1 इंडिविजुअल्स हैं अगर उनका क्रॉस अगर हम करवा रहे हैं किसी भी पेरेंट्स के साथ तो उनको बोलते हैं बैक क्रॉस। अब उनमें बातें आती हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर कोई भी F1 इंडिविजुअल है अगर हम उसका क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ तो डेट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का अगर फेनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलता है 1:1 का लगभग ही आपको मिलेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसा ही। इसका यूज कहां आता है, कोई भी F2 इंडिविजुअल है अगर हमें उसका जीनोटाइप फाइंड करना है तो टेस्ट क्रॉसेस में हम करवाते हैं, और अगर आउट क्रॉस है तो F1 इंडिविजुअल का होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ कराना है जहां की हमने टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट के साथ करवाया है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं ज्यादा चीजें बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जो चीजें आप एग्जाम के समय भूल जाते हो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ये टेस्ट क्रॉस का आपको यहां दिखा भी रखा है कि कितना ये रिजल्ट आता है। तो इसके बाद कुछ लॉज हैं, ये काफी कंक्लूजन हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, तो ये लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट ये लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या बताया गया, जो कैरेक्टर्स होते हैं तो कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड होते हैं कुछ यूनिट से जिनको फैक्टर कहा गया, जिनको आगे चलकर जीन बोला गया। फैक्टर हमेशा किस में होंगे, तो पेयर्स में होंगे। किसी भी डिसिमिलर फैक्टर अगर हैं तो डोमिनेंट एक होता है और एक रिसेसिव होता है। अब बताओ डोमिनेंट कौन होगा, जो वाइल्ड टाइप का है, नॉर्मल एंजाइम जो है अनमॉडिफाइड जो है, ठीक है, जो नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करता है डोमिनेंट है। रिसेसिव कौन होगा, जो म्यूटेंट है, जो लेस इफिशियंट एंजाइम का फॉर्मेशन करे, जो थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म हो, जो नॉन फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन करे, या कहें तो कोई भी एंजाइम का फॉर्मेशन ना करे, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। ठीक है, अगर एक्सेप्शन देखें इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक और होता है कोडोमिनेंस, ये दो इसके एक्सेप्शन रहे हैं। इसके बाद हम बारी आती है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको वही बता रहा हूं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात चलती है यहां, एलील के बारे में यहां जिक्र होता है। एलील्स कभी भी ब्लेंडिंग मिक्स नहीं करते, एलील कभी भी मिक्सिंग सॉर्ट नहीं करते, जो दोनों कैरेक्टर्स हैं एज सच एज आपका F2 जनरेशन में वो देखने को मिलेगा। सेग्रीगेशन के कारण क्या हुआ, जो हर एक गैमेट है वो सिर्फ सिंगल यूनिट फैक्टर को ही रिसीव कर पाता है कोई भी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, इसलिए कहा जाता है गैमेट्स हमेशा प्योर होते हैं किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। एलील है तो सेग्रीगेशन होगा, नॉन एलील है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। दो चीजें मैंने आपको खास बताई हैं यहां पे, फिर से वीडियो को देखिएगा जरूर। एक्सेप्शन जो है इसका नॉन डिसजंक्शन है, जो फीमेल के केस में होता है। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, उसका वो एक्सेप्शनल केस होता है। इसमें जीन इंट्रैक्शन में आप पढ़िएगा, जीन इंट्रैक्शन में दो तरह की इंट्रैक्शन होती हैं, एक तो एलेलिक होता है और एक नॉन एलेलिक होता है। तो हमें पढ़ना है एलेलिक, एलेलिक में ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात आती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या वो सुनो आप, एलेलिक में पहले होता क्या है, एलेलिक इंट्रैक्शन में होता क्या है, अगर किसी भी सेम जीन में अगर एलील की बात की जा रही है, किसी भी सेम लोकस के बारे में अगर बात की जा रही है तो इसके बारे में हम बात करते हैं एलीलिक इंटरेक्शन के बारे में। अगर F1 जो फिनोटाइप हैं अगर वो रिजेंबल नहीं कर रहे हैं टू पेरेंट से और उनके दोनों के बीच में से, तो वो जनरली इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। फिनोटाइपिक और जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1 के केस में आता है। आपसे एक्सेप्शन पूछ, आपसे एग्जांपल पूछा जाता है इसका, पूछा भी गया है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनियम जिसको स्नैप ड्रैगन बोला जाता है, ये एग्जांपल आप याद रखिएगा। और एक और मैं बोल रहा हूँ स्टार्च ग्रेन साइज इन पाइसम सेटाइवम, ये दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, NCERT में दे रखे हैं। ठीक है, आगे की ओर हम बात करते हैं। ये आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप देख रहे थे, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। मॉडिफाइड एलील से कोई भी एंजाइम का फॉर्मेशन चाहे तो लेस इफिशियंट हो या नॉन फंक्शनल हो या कोई एंजाइम का फॉर्मेशन आखिर करे ही ना। ठीक है, इसके आगे आप देखिए, इसके आगे ये आप कोडोमिनेंस देखिए, तो कोडोमिनेंस आखिर ये होता क्या है, कोडोमिनेंस क्या होगा, एलेलिक इंट्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। जनरली जो F1 फिनोटाइप होते हैं वो दोनों पेरेंट से रिजेंबल करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों निकल कर आता है 1:2:1 के आसपास ही निकल कर आता है।
एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप और कैरियर ऑफ सिकल सेल एनेमिया। अगर कैरियर हम देखें तो आपने पढ़ा भी होगा, जो हेमोग्लोबिन आता है वहां पे ए आएगा और एक हेमोग्लोबिन आएगा, एस आएगा, तो ये जनरली नॉर्मल के केस में आता है और जनरल डिफेक्टिव के केस में आता है। तो ये सब तो आपने न्यूमेरिकल कई सारे सॉल्व किए होंगे, इस पर मैं उस पर ज्यादा टाइम दूंगा नहीं। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं कुछ टेबल में दिखा रखे हैं आपको कोई भी ब्लड ग्रुप ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स के बारे में। मल्टीपल एलील्स आखिर क्या होते हैं? किसी भी जीन का दो एलील होना या दो से ज्यादा एलील होना, इसी चीज को बोला जाता है मल्टीपल एलील। एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन टू एलील्स ऑफ ए जीन, इसी चीज को बोला जाता है मल्टीपल एलील। आपको मैं अगर सिंपल सा बताऊं, अगर गैमिट है तो वन एलील होगा, इंडिविजुअल है तो टू एलील्स हो गए, पॉपुलेशन है तो मोर देन टू एलील्स होगा। तो ये एलील्स के बारे में आप जान चुके। जनरली एलील्स जो मल्टीपल एलील्स होती हैं पॉपुलेशन स्टडीज में ही देखी जाती हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल अगर जीनोटाइप अगर आपको निकालना है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता भी होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो इससे आपको निकल जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। यहाँ n क्या है तो नंबर ऑफ एलील्स है, ह्यूमन के केस में अगर आप देखें तो ये 6 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस एबीओ जो होता है ह्यूमन के केस में 3 आएगा उसमें, और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी स्टेरिलिटी जो है वो टोबैको के केस में देखी जाती है। तो सिंपल सी जो भी चीजें थी मैंने आपको बता रखा है, तो ये जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर है यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में। इसके पहले मैं आपको एक बता दूं जो क्वेश्चन आया हुआ है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस से क्वेश्चन पूछा गया, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल क्या होता है, तो फ्रूट कलर इन समर स्क्वेस कुकुरबिटा पेपो, याद रखिएगा ये पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा था क्वेश्चन, में आपसे 2014 में पूछा जा चुका है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस बहुत सारे हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन वगैरह, अब क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, तो पहले आ गई थी तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें बारी आती है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में। मिस यहां पर आपसे बातें चलेंगी डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ चुके हैं, इसके बाद जो डायहाइब्रिड क्रॉस है वो भी बिल्कुल इजी सा है। मिस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की यहां पर बात की जाएगी, अगर हम इक्विवेलेंट अगर हम यहां पर बात करें किसके इक्विवेलेंट होता है, तो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अगर इसमें आपसे फेनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए तो 9:3:3:1 अब तो निकल कर आता भी है यहां पर, अगर आप देखो तो 9:3:3:1 तो ये निकल कर डायरेक्ट आपका फेनोटाइपिक रेशियो यहां पर निकल कर आता है। इसमें बारी आती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है वो पहले आप समझो। जनरली दो डिफरेंट कैरेक्टर ऑलवेज इसमें शो करेंगे, ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इनमें जनरली क्रॉस कराया जाता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो होते हैं उनके दो पेयर के बीच में। व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, इसके बारे में यही चीजें बोली जाती हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। जो मैंने आपको शुरू में दो बातें बताई हैं वही आपसे एग्जामों में पूछी जाती हैं, और हर एक कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड पैटर्न में ही इसमें इनहेरिटेड होता है, मींस कहें तो 3:1 के फॉर्म में इसमें हो पाएगा। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में कुछ चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट कंक्लूजन पूछा जाएगा कि क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंक्लूजन, मींस F2 जनरेशन, जो डायहाइब्रिड का F2 जनरेशन है उस पे ये बेस्ड होता है पहली चीज। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाएगी, जो मेन कंक्लूजन आया ओवरऑल निकलकर, जो डिफरेंट टाइप के जो कैरेक्टर हैं किसी भी प्लांट में जो प्रेजेंट रहते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे इनहेरिटेंस के दौरान, चीज ठीक है। इसके बाद ये कहां एप्लीकेबल होंगी, जहां जो जीन्स हैं वो सेपरेट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे, लिंक्ड जीन नहीं होना चाहिए, पेरेंटल रिजल्ट आपको 50% के आसपास मिलेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ही चलते जो भी डायहाइब्रिड है वो चार टाइप के गैमेट जो प्रोड्यूस होते हैं वो इक्वल रेशियो में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आपको आपको फिर पूछोगे आप एक्सेप्शन तो इसका लिंकेज है, तो बिल्कुल हाँ इसका एक्सेप्शन जो है वो लिंकेज है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको अगर बता दूं वो आप याद रखिएगा, 2^n है तो टाइप्स ऑफ गैमेट या टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स आपसे निकल जाएंगे, 3^n है तो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स निकल जाएंगे, 4^n है तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ जायगोट निकल जाएंगे। यहां पर n है क्या, तो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन के बारे में यहां पे बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद ए है जीनोटाइप फाउंड इन सिंपल्स आप निकाल लोगे। नेक्स्ट बारी आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पहला नाम आता है सटन एंड बोवेरी का,
कभी भी बात आए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी, ठीक है। इसमें होता क्या है, दो चीजें इसमें बिल्कुल लगेंगी, एक तो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है और प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल्स इसमें अप्लाई होती हैं। इसमें बताया जाता है कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो बिल्कुल पैरेलल होता है जीन के बिहेवियर से, और उसमें क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है वो यूज होता है, यही मेंडल लॉ में भी बताया गया था। इसमें अब कुछ बातें जो क्यों नहीं मेंडल फेमस रहे, जो मेंडल के जो काम थे वो 34 साल तक क्यों अनरिकॉग्नाइज रह गए, तो ये बातें हम यहां पे करेंगे। तो मेंडल को अपने लाइफ में जीते जी उनको अपने काम का सम्मान तो मिला नहीं, कारण क्या रह गए, तो उस समय पहली चीज तो कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं हुआ करता था, आज जितना इजी हम कोई भी मैसेजेस ट्रांसफर कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह से, तो उस समय वो चीजें नहीं थी, कोई भी इंफॉर्मेशन का जरिया नहीं था, इंटरनेट की उतनी थी नहीं, इंटरनेट तो शायद आया भी नहीं था उस समय, तो इसलिए वो वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरी चीज, अब उन्होंने बात किया, मेंडल ने जीन्स की बात नहीं की थी, मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बात किया था। अब मेंडल तो फैक्टर की बात कर रहे थे, मेंडल के शब्दों में तो यही चीजें लिखी थी, अब लोग उस समय जीन की बात करते थे, दूसरी चीज यही है, पहली चीज तो कम्युनिकेशन, दूसरी चीज जो थी मेंडल ने फैक्टर बोला, उनके जो कॉन्टेम्प्ररी थे जो उस समय और भी जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उन्होंने कहा नहीं ये तो हम नहीं बोलेंगे, फैक्टर है ही नहीं, वो तो जीन होती है वो चीज। तीसरी चीज क्या आई, मेंडल दिमाग लगाने लगे मैथमेटिक्स, आज तो ऐसे ही फिजिक्स में बच्चों को मैथ से डर लगता है, फिजिक्स में जहां इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती है, मेंडल ने क्या किया बायोलॉजी में मैथ लगा दिया, अब साइंटिस्टों की बनी नहीं, आपस में सबकी ठन गई, हुआ क्या, तो इन्होंने क्या किया कि बायोलॉजिकल फेनोमेना में मैथमेटिक्स, तो सब साइंटिस्ट आ गए चक्कर में, तो ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जो सबसे लास्ट है, फोर्थ नंबर पे फाइनली अगर हम बात करें, तो मेंडल ने कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं दिया कि एग्जिस्टेंस होती है किसी भी फैक्टर की, तो लोगों ने पूछा किस चीज का बनाया बताओ, तो इन्होंने उसके पास भी जवाब नहीं था। उस समय मेनली हुआ क्या था ना, उस समय एक बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन की, पूरे साइंटिस्ट जगत के जितने भी लोग थे वही पढ़ने में लगे थे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो चार्ल्स डार्विन की सबसे फेमस किताब रही 1859 की, तो मेंडल का तो वो भी कारण रहा, किसी बड़े ने किसी छोटे को दबा दिया, तो ऐसे भी कारण रहे हैं। तो फैक्टर्स जनरली होते क्या हैं, अस्टेबल यूनिट होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, जीन के ही बारे में तो बात की जा रही है, कॉन्सेप्ट इनका बिल्कुल सही था जीन के बारे में। फिर कुछ साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा कि अब हम कुछ करते हैं इनके लिए, तो मेंडल की जितनी भी चीजें थी तो उनको तीन साइंटिस्टों ने बड़ा ही अच्छे से उनको उजागर किया, वो तीन साइंटिस्ट थे रीडिस्कवरी जिन्होंने किया, 16 साल मेंडल के डेथ हो गए उसके 16 साल के बाद मेंडल के पोस्टुलेट्स फिर से रीडिस्कवर किए गए, जो रीडिस्कवरी हुई उसमें तीन साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली शामिल थे, पहले का नाम था कार्ल कॉरेंस, इसके बाद ह्यूगो डी वेरिस और इसके बाद वॉन से मार्क, तो सबके अपने अपने जो थे उन्होंने सबके दिए हैं। जो कॉरेंस थे उन्होंने दो लॉ दिए मेंडलिज्म के, और लॉ ऑफ हेरिडिटी इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वगैरह, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, कलर्ड बॉडी होते हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सटन एंड बोवेरी वाले, आपको बता ही दिया मैंने पैरेलल क्रोमोसोम के होते हैं वो इंपॉर्टेंट जो थे, और ये आपका यहां दिखा रखा है कहीं मियोसिस जर्म सेल फॉर्मेशन, अगर आपको सेल डिवीजन नहीं समझ में आया है तो यहां पर जो बाइवेलेंट ये सब चीजें लिख रखी है नहीं समझ में आएंगी, तो पहले सेल डिवीजन पढ़ लीजिएगा और फिर इसको डायग्राम को आप इजी वे में समझ सकते हो। और यहां पर भी सेम चीजें लिख रखी है जीन और क्रोमोसोम, जो एक साइड की बातें यहां पर लिखी रखी है जीन के बारे में और यहां पर क्रोमोसोम के बारे में बातें लिख रखी है, सेल डिवीजन की सारी चीजें हैं, कंपैरिजन कराया गया है क्रोमोसोम और जीन के बारे में, ठीक है, पैरेललिज्म यहां पर कराया गया है। इसके बाद हम ये भी जो पॉइंट है बिल्कुल सेल डिवीजन का ही पूरा पॉइंट है, तो सेल डिवीजन वाले इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अब से पूछा जाएगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या हुआ, ठीक है, हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की तो बात कर रहे हैं लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तो बिल्कुल हाँ, टीएच मॉर्गन ने किया है और उनके कलिस ने ड्रोसोफिला पे किया है, तो आखिर इतनी चीजें थी बायोलॉजी में तो ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना, तो ड्रोसोफिला के चुनने के कुछ कारण थे, ड्रोसोफिला के सिलेक्शन के कुछ कारण थे। पहली चीज, ड्रोसोफिला सूटेबल क्यों है, क्योंकि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में भी लैब में हम इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कही गई, जो दूसरी चीज के बारे में कहा गया, लाइफ साइकिल 2 वीक में ही कंप्लीट हो जाता है। तीसरी चीज, सिंगल मेटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी फ्लाई पैदा हो जाते हैं। चौथी चीज, क्लियर डिफरेंशिएशन होता है बिल्कुल मेल और फीमेल के बीच।
टाइप्स ऑफ वेरिएशंस जो हैं वो भी लो पावर माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। जो जो वर्ड हैं, चाहे लो पावर माइक्रोस्कोप की बात की जाए, मेल और फीमेल इजिली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, सिंपल सिंथेटिक मीडियम में इनका आराम से काम हो जाता है और दो वीक में आराम से इनके बहुत सारे प्रोजेनी पैदा हो जाते हैं। यही सब चीजें तो फ्रूट फ्लाई को, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को खास बनाती हैं। क्या आखिर क्यों इसे लिया गया? फ्रूट फ्लाई जिसका 30 दिन तक लाइफ साइकिल लगभग होता है, जो 30 दिन से भी कम जो होता है, उसे ही क्यों लिया गया? अब आपको समझ में आ चुका होगा ऐसा ही क्यों। ठीक है, इसके बाद हम बारी आती है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। देखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी डिट्टो नहीं आती है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के आसपास ही घूमती है। आपको टीचर ने पढ़ाया ही होगा, बहुत लंबा ये चलता है, पूरा का पूरा जेनेटिक्स वाला जो पार्ट है, इसी तरह का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। लेकिन हाँ, उससे क्वेश्चन एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट आते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। ईजी होता है यार न्यूमेरिकल, बिल्कुल थैलेसीमिया और ये सब पे आती है, ब्लड सिकल सेल एनीमिया वगैरह पर क्वेश्चन। इसके बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करें। लिंकेज क्या होती हैं? लिंकेज जैसे नाम आए, टीएच मॉर्गन आना चाहिए। जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आया तो आपका सटन एंड बोवेरी आना चाहिए, इसी तरह लिंकेज में आपका नाम आना चाहिए टीएच मॉर्गन का। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लिंकेज टर्म दिया था टीएच मॉर्गन ने। इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है किसी भी जीन का, ग्रुप में होगा, अब सिंगल नहीं चलेगा, अब ग्रुप पे यहां पे होगा। इसमें क्या होता है, लिंक्ड जीन जो भी होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड होते हैं, और जितने सारे जीन होते हैं वो वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं, और वही एक लिंकेज ग्रुप तैयार करते हैं जो कि हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं। पेरेंटल रिजल्ट और रिकॉम्बिनेंट रिजल्ट में कौन ज्यादा आएगा? तो पेरेंटल रिजल्ट ज्यादा आएगा। जो टाइट, अब सुनना आप ध्यान से, जो भी टाइटली लिंक्ड जीन है, आपको यहां पर बताया जाएगा, जो भी टाइटली लिंक्ड जीन है, ठीक है, तो उसमें लो रिकॉम्बिनेशन होगा। लूजली लिंक्ड जीन है, हाई रिकॉम्बिनेशन होगा। लिंकेज कंप्लीट भी हो सकता है, लिंकेज इनकम्प्लीट भी हो सकता है। जहां क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट था, डेट इज कंप्लीट लिंकेज। जहां क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट था, डेट इज इनकम्प्लीट लिंकेज। तो 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा कंप्लीट के केस में, जहां क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट रहा हो, और 0% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। और वहीं आप देखो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बिल्कुल 50% से भी ज्यादा होता है इनकम्प्लीट के केस में, जहां क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट रहता है। अगर 1% क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो 1 सेंटीमॉर्गन के आसपास होता है। लिंक्ड जीन सिस भी हो सकते हैं, ट्रांस भी हो सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको बता रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट चीज, वो सुनना आप ध्यान से। जो यहां पर कुछ परसेंटेज दे रखे हैं अपने अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने, वो परसेंटेज तैयार किए हैं, तो परसेंटेज से रिगार्डिंग मैं कुछ बातें बता रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का, अगर पूछा जाए या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या डिस्टेंस कितनी रही है जीन के बीच, वो सब मैं बता रहा हूं। जो परसेंटेज है रिकॉम्बिनेशन का, ठीक है, या हम बात करें रिकॉम्बिनेशन का जो भी फ्रीक्वेंसी है, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उसके डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल होता है, और उसी के डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ भी होता है। तो कहें तो दो जीन अगर हैं जो क्रोमोसोम पे बिल्कुल लिंक्ड हैं और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उनकी बिल्कुल 50% से कम होती है, ये चीजें एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई हैं। इसके बाद बारी आती है जेनेटिक मेकअप के बारे में। तो ये क्या होता है, जेनेटिक मेकअप क्या होता है, ये भी आप समझें। जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक मैप को ही बोलते हैं लिंकेज मैप बोलते हैं। इसका बेहद जो अच्छा काम रहा है वो ह्यूमन जीनोम का जब सिक्वेंसिंग किया गया उस प्रोजेक्ट का, जो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, इनका किया था अस्ट्रूटवेंट ने किया था, नाम दे रखा है एनसीईआरटी में अल्फ्रेड अस्ट्रूटवेंट, और उनके कुछ कलीग्स वगैरह भी शामिल थे इनमें, स्टूडेंट रहे हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने ये काम किया है लिंकेज मैप का, तो आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई भी क्रोमोसोम पे कोई भी पार्टिकुलर जीन का पोजीशन क्या होता है वो लिंकेज मैप से हम पता लगा सकते हैं। जेनेटिक मैप में जनरली अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट टाइप के जो जीन होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट रहते हैं, अच्छे से उसमें अरेंज होते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होते हैं, और वो लीनियर डायग्राम को शो आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ मॉर्गन के आपके एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, कैसे कैसे क्या हुआ है। जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर पेरेंटल का देखें तो 98.7 दे रखा है, तो पेरेंटल रिजल्ट हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट टाइप के। ठीक है, आप यहाँ पे भी एक चीजें देख सकते हैं, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन डब्ल्यू एंड एम, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ये सुना होगा आपने नाम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है,
ये जो टॉपिक है ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, एक पहले टॉपिक हुआ करता था पीछे एनसीईआरटी में, ठीक है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, अब सुनना ध्यान से, कोई भी कैरेक्टर का अगर इनहेरिटेंस हो रहा है जिसमें एक कैरेक्टर जो है वो बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो रहा है, सुनना फिर से आप, कोई भी कैरेक्टर का जब ट्रांसफर हो रहा होता है जिसमें एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पुराने एनसीईआरटी में टॉपिक लास्ट में थी और इसमें ही जोड़ रखा है पेज नंबर पे, ठीक है। तो अगर हम फेनोटाइप की अगर इंटेंसिटी देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील होगा। अब बोलोगे क्यों डोमिनेंट होगा एलील, उसका ही क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो नेचर में कंट्रीब्यूटरी होते हैं। एग्जांपल डायरेक्ट आपसे इसमें पूछा जाएगा, एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, तो कर्नल कलर ऑफ व्हीट जिसमें दो जीन होते हैं उसका अगर आएगा वैल्यू तो 5 आएगा, और जो स्किन कलर होता है ह्यूमन का उसमें 3 जीन होते हैं जो कंट्रोल करते हैं तो उसमें 7 आएगा। चीजें कैसे हम निकाल रहे हैं, 2n plus 1 का होता है नंबर ऑफ जीन, आप इससे निकाल सकते हो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, ठीक है। इसके बाद बारी आती है प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में, ये क्या होता है आप ये भी समझें। जितनी चीजें मैंने बता रखी हैं वही काफी इंपॉर्टेंट है। प्लियोट्रॉपी जिसमें एक जीन जो है वो कंट्रोल करेगा एक से ज्यादा कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहा है, इसमें क्या था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा जीन से कंट्रोल हो रहा है। प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, एक जीन है और लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं या सिंड्रोम जो होते हैं ह्यूमन में उसमें एक जीन ही है जो कंट्रोल करने का काम करता है। अगर कुछ प्लांट्स के केस में देखें तो बिल्कुल एक जीन है जो कि सीड के फॉर्म को भी कंट्रोल कर रहा है और स्टार्च ग्रेन के साइज को भी, कि सीड फॉर्म राउंड होगा कि रिंकल होगा या स्टार्च ग्रेन में लार्ज होगा या स्मॉल होगा। स्टार्च सिंथेसिस जो कोई भी पी सीड्स में मटर के दानों में जो होती है वो एक जीन से ही कंट्रोल होता है। तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लियोट्रॉपी आपसे पूछा भी गया है, याद रखिएगा, और टॉपिक जुड़ा है नया तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एनसीईआरटी में पुराना टॉपिक जो था सेक्स डिटरमिनेशन, हम उसकी बात करते हैं। ये तो सिंपल सा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, ठीक है। तो सेक्स डिटरमिनेशन जनरली होता क्या है आप ये समझें। सेक्स डिटरमिनेशन, क्रोमोसोम की अगर हम बारे में बात करें तो जनरली क्रोमोसोम के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोसोम होता है, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम, ठीक है। ऑटोसोम बाईस पेयर होते हैं जो कि सोमैटिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, एलोसोम एक पेयर होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है जो कि सेक्स डिटरमिनेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेक्स लिंकेज के अगर बारे में बात करें तो मॉर्गन ने ही बताया था चीजें, जो जीन्स होती हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं वो सेक्स लिंकेज को सॉर्ट करती हैं। कुछ 3 तरह के जनरली होते हैं, एक्स लिंकेज, वाई लिंकेज और एक्स वाई लिंकेज इसमें आती हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो यहां पर दे रखा है। और कुछ इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनेशन होता है जैसे क्रोकोडाइल्स में, क्रोकोडाइल्स की अगर हम बात करें, टर्टल में, मेडुसा में जो बाई कैरेक्टर होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं सेक्स के बारे में, तो यहां आपको दे भी रखा है, ठीक है। तो कुछ सिंपल सी चीजें हैं वो मैं अगर आपको बता दूं एक ही जगह पे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कोई भी फीमेल है अगर वो एक्स एक्स है, ठीक, उसका क्रॉस चल रहा है किसी भी मेल के एक्स वाई के साथ, तो ऐसे टाइप में आते हैं ह्यूमन आते हैं आप तो जानते ही हैं, और ड्रोसोफिला आएंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट वगैरह आएंगे। अगर एक्स और वाई जो है वो फीमेल है और एक्स एक्स जो है वो मेल है, तो जनरली बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स और बटरफ्लाई के केस में। अगर एक्स एक्स के बारे में बात करें जो कि फीमेल होती हैं और एक्स जीरो के बारे में बात करें जो मेल हैं, तो ग्रास हॉपर, कॉकरोच और अस्कैरिस में ये चीजें आती हैं। जेनिक बैलेंस थ्योरी भी पढ़ते हैं ड्रोसोफिला के रिगार्डिंग, नहीं पूछा जाता आपसे। सेक्स डिटरमिनेशन हार्मोन में भी होता है, कैटल्स, फ्री मार्टिन वगैरह, नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इतना आपको मैंने बता चुका है, ऑटोसोम एलोसोम याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज जो भी चीजें मैंने बता रखी हैं एक ही जगह मैंने आपको बता दिया ड्रोसोफिला वगैरह के बारे में, ठीक है। मेल हेट्रोगैमेटी बोला जाता है और फीमेल हेट्रोगैमेटी, वही चीजें अगर डिफरेंट उसमें देखा जा रहा है तो उसको मेल हेट्रोगैमेटी, जैसे एक्स एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, होमोगैमेटी हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल डिफरेंट आ रही है तो हेट्रोगैमेटी के केस में इसको लिया जाता है। सिंपल सा चीजें आप खुद ही बता सकते हो, ठीक है। आगे की ओर हम बात करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन में तो आप सिंपल सा जानते हो, ह्यूमन के केस में तो एक्स एक्स और एक्स वाई का तो आप जानते ही हो, सिंपल सा प्रोबेबिलिटी जो बनता है, ठीक है। अब कोई भी हनी बी है तो हनी बी में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे किया जा रहा है, तो हनी बी में बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं। तो हनी बी का आप याद रखना, जनरली जो ड्रोन्स होते हैं हनी बी में उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर हैं बिल्कुल 16 के आसपास होते हैं, बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रोगैमिक वगैरह कंडीशन उसमें चलती है, ठीक है। लंबा सा चैप्टर है, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है। अब हम जरा म्यूटेशन के बारे में भी बात कर लें, म्यूटेशन जनरली होते क्या है।
म्यूटेशन जब भी टर्म आए आपको ह्यूगो डिवेरिस याद आने चाहिए। म्यूटेशन से सबसे रिलेटेड जो फेमस साइंटिस्ट हैं वो ह्यूगो डिवेरिस हैं। आपसे पहले पूछा जाएगा म्यूटेशन आखिर होता क्या है, तो सडन हेरिटेबल चेंज है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में होता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन ही सोर्स एंड डिस्कंटिन्यूअस वेरिएशन के। म्यूटेशन जो हेरिटेबल हैं हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्मिनल सेल में होते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन ही हेरिटेबल होते हैं किसी भी वेजिटेबल प्रोपेगेटेड प्लांट्स में। म्यूटेशन ह्यूगो डिवेरिस याद रखिएगा, और म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो भी चीजें बेसिक हैं वो अब आपको यहां पर देखिए। अब यहां पर आपको बनाया जाएगा, यहां पर पेडिग्री एनालिसिस बनाया जाता है, वो आपको टीचर ने सिखाया ही होगा। यहां पर कुछ बेसिक सी चीजें दे रखी हैं, कोई सिंबॉल्स क्या यूज होती हैं जो ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में, वो चीजें आपको यहां पर बता रखा है, तो ये चीजों पर गौर कीजिएगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। हाँ, ये याद रखिएगा, लॉस ऑफ जो है, लॉस अगर हुआ है तो डिलीशन का केस है, और अगर कुछ इंसर्शन होता है, डुप्लीकेशन वगैरह का भी इसमें केस आता है। डुप्लीकेशन सिंपल सा है, एक ही जीन की दो कॉपी अगर हो रही है तो डेट इज डुप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है डिलीशन के बारे में, अगर टर्मिनल एंड से हो गया तो क्रेडोचाइट सिंड्रोम, इंटरकैलरी से हो गया तो लॉस ऑफ कैरेक्टर बिटवीन एंड्स। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे बता रखी हैं आपको। इसके बाद जैसे यहाँ नीचे दे रखा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दे रखा है, इसमें एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। कोई भी बीटा या अल्फा जीन की डेफिशिएंसी हो गई, जैसे थैलेसीमिया है 11th नंबर पे 16th नंबर पे, तो लीथल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये सब। ठीक है, इसके बाद पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस से रिगार्डिंग दो चीजें दे रखी हैं यहाँ पे, दो डायग्राम भी आपको मिलेगा आगे चलकर। तो पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है, किसी भी कोई पार्टिकुलर ट्रेट है किसी भी फैमिली में चल रहा है उसके सेवरल जनरेशन तक, उसके हिस्ट्री को देखना, इसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। किस चीजों पे बेस्ड होती है, मेंडेलियन प्रिंसिपल पे ये चीजें बेस्ड होती हैं। बहुत ही एक अच्छा टूल प्रोवाइड हमें करता है कि कोई भी स्पेसिफिक ट्रेट है, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसका इनहेरिटेंस क्या चल रहा है, कोई बीमारियां पहचानने में इसमें बड़ा ही काम होता है, तो पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल ये होता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। मेंडेलियन का जो डिसऑर्डर्स रहा है, जो जनरली क्या होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, आप ये भी समझें, यहां से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी डिजीज वाले पार्ट हैं, चाहे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हों या क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स हों, काफी ध्यान से सुनिएगा, काफी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, अगर कहीं भी म्यूटेशन अगर किसी भी सिंगल जीन में हुआ है तो मेंडेलियन डिसऑर्डर का पार्ट है। जैसे अगर हम कहें पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, ये पेडिग्री चार्ट जो होता है उसमें आप इसको बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। ये डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, सेक्स लिंक्ड हो सकता है, ऑटोसोमल हो सकता है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें दो डिजीज के बारे में, शुरू में एक हम बात करते हैं हेमोफीलिया के बारे में और एक कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। खूब आती है इसमें न्यूमेरिकल, दबा कर न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पे। तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है ये। सिकल सेल एनेमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक पूछा जाता है आपसे एल्बिनिज्म, तो एल्बिनिज्म जो होता है तो वो जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। एक एंजाइम होती है टायरोसिनेज एंजाइम, वही इसमें एब्सेंट हो जाती है। एक एक पॉइंट याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं मेंडेलियन डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। ठीक है, सारे एनसीईआरटी पुराने में दे रखे हैं और नए में भी दे रखे हैं, कुछ कुछ जो पुराने में दे रखे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में। एक बात आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, इसमें क्या होता है 7th नंबर पे जनरली होता है। फिनाइलकीटोनुरिया में अगर देखें तो 12th नंबर पे इसमें होता है, ऑटोसोमल का ही केस है सब। इसके बाद मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। हंटिंगटन कोरिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट, 4th क्रोमोसोम पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, यहां तक समझ चुके होंगे आप। इसके बाद एक आपको दे रखा है यहां पे पेडिग्री एनालिसिस दे रखा है। जैसे यहां देखो ये जो पहला दे रखा है आपसे, ये दे रखा है आपको मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का ही, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। और जो दूसरा दे रखा है ये सिकल सेल एनेमिया का दे रखा है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2009 या 10 में AIIMS में आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार आया है। ठीक है, बताओ सेक्स क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो डिजीजेस के नाम दे रखे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। इसके बाद हर एक डिजीज के बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, सिर्फ बात ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बात बोलता जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कलर ब्लाइंडनेस में 50% चांस है ये सन के पास ये जाने का, जो सन है जो बेटा है उसके पास जाने का। कुछ मैं आपको क्रॉस सिंपल सा दिखाता हूं। जैसे अगर कलर ब्लाइंडनेस का केस है, कोई मेल है अगर
मेल के बारे में बता रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस का जो केस है उसको फीमेल के साथ क्रॉस कराया जा रहा है, इसमें नॉर्मल आएगा। सन का अगर बात करें तो 0% इसमें सन बिल्कुल नॉर्मल है। अगर सेम यही कंडीशन चली है कलर ब्लाइंडनेस की और इसको फीमेल के साथ यहाँ क्रॉस कराया जा रहा है, नॉर्मल होगा। लेकिन ग्रैंड सन जो होगा उसमें चांसेस वो 0.5 हो जाती हैं, वो नील के चांसेस हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्यों ये हुआ, ऐसा डिफेक्ट क्यों आता है कलर ब्लाइंडनेस का? हमारे अंदर रेड सेल्स, रेड कोन होते हैं, ग्रीन कोन होते हैं, उनमें ही ये इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम रेड और ग्रीन कलर के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इनमें लक्षण यही है बिल्कुल, इनके सिम्टम बिल्कुल यही है। जनरली मेल्स जो होते हैं उनमें 8% मेल्स में ये चीजें कलर ब्लाइंडनेस देखी जाती हैं, और फीमेल के केस में 0.4% फीमेल्स में ये चीजें देखी जाती हैं। अगर मेल्स में देखें तो इस तरह कैरियर जो होते हैं, और फीमेल्स में देखें तो इस तरह ये बिल्कुल इनकी कैरियर होती है। नॉन लीथर होती हैं। इस यारा चार्ट जो होता है वो कलर ब्लाइंडनेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, तो आप उस चार्ट का नाम याद रखिएगा, इस यारा चार्ट जो होता है, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको इसमें बता रखा है। एक कुछ चीज और सुन लीजिएगा, जितने भी एक्स लिंक डिजीज हैं वो जनरली मेल में होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। अगर एक्स क्रोमोसोम फादर है तो डॉटर में जाएगा, एक्स क्रोमोसोम अगर मदर है तो कैरियर तो सन में जाएगा, ठीक है। अब कलर ब्लाइंडनेस केस और इसमें आप क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा 50% के केसेस में इसमें जाते हैं आंसर। इसके बाद हम आते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया को रॉयल्स डिजीज भी बोला जाता है या इसको ब्रीडर्स डिजीज भी इसमें बोला जाता है। इसमें क्या होता है हीमोफीलिया के केस में, अगर मेल का केस अगर हम देखें, इसमें समझना आप अच्छे से, मेल का केस अगर हम देखें तो दो केसेस मेल में आ सकती हैं, एक एक्स और वाई है तो बिल्कुल इसमें नॉर्मल है, और अगर एक्स है और यहां पर हीमोफीलिया के केसेस आ रहे हैं तो ये बिल्कुल ये अफेक्टेड में आता है। हेमिजाइगस कंडीशन यहां पर बन ही रहा है। इसके बाद अगर हम फीमेल के केस में आते हैं, फीमेल के केस में तीन केसेस बनती हैं, एक तो अगर एक्स एक्स है तो नॉर्मल का केस बनेगा, एक्स है और इस पे हेमोफीलिया का ये है और एक्स आ गया तो कैरियर का काम करेगा, अगर दोनों पे आ गया है एक्स पे और एक्स पे भी हेमोफीलिया तो अफेक्टेड डेथ तक का कंडीशन होगा, जो कि होमोजाइगस का कंडीशन है। तो आप बोल सकते हो हेमोफीलिया का कंडीशन में अगर होमोजाइगस का कंडीशन आ रहा है वो आदमी का डेथ होने का चांस है बिल्कुल, ठीक है। इतना आपको मैंने बता दिया है हेमोफीलिया के बारे में, और सुनिए आप, हेमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जो ब्लड का जो सिंगल प्रोटीन जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 नंबर, उसको ये प्रभावित करने का काम करता है, तो उसमें ये चीजें खराब हो जाती हैं। अब ब्लड में क्या है, क्लॉटिंग हो नहीं रहा है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग चल रही है, यही तो इसकी खास सिम्टम होती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल हैं उससे मेल प्रोजेनी में चली जाती हैं, मींस हेट्रोजाइगस अगर फादर है तो सन्स में ये चला जाएगा, बच्चों में ये चला जाएगा, ठीक है। तो सन्स में ये डॉक्टर में जाता है। हाँ, अगर जनरली फीमेल जो हेमोफिलिक हैं, जो एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन होता है फीमेल्स हेमोफिलिक होना, तो उनसे मदर में ये जाता है, तो मदर एज अ कैरियर काम करती हैं, फादर एज अ हेमोफिलिक काम करते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ, जितने भी बोल रहा हूँ सारे एग्जाम में पॉइंट बनते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया जो रही हैं वो करियर रही हैं, इसकी कैरियर वो हेमोफिलिक डिसेंडेंट्स के तौर पर वो कही जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बारी आती है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, इसमें ग्लोबिन की कमी हो जाती है। सुनना आप ध्यान से, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया। 11th क्रोमोसोम पे ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें जैसे सिंपल आपको मैं बताऊं, ये ग्लूटामिक एसिड जो है और यहां पर GUG ये कंडीशन आ जाता है, तो ग्लूटामिक एसिड है और इधर क्या आ गया, वैलिन आ गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक हो जाता है और ये हाइड्रोफोबिक हो जाता है। HbA और HbS जो डिजीज कंट्रोल हो रहा है वो सिंगल पेयर ऑफ एलील से ही हो रहा है। इसमें और कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है ये, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन हो जाता है RBC में, यही इसका इफेक्ट होता है। इसमें इरिथ्रोसाइट्स एक जगह जमने लगेंगे और रैपिड डिस्ट्रक्शन होगा इरिथ्रोसाइट का, इससे एनीमिया की कंडीशन आ जाती है, खून की बेहद कमी हो जाएगी। इसके बाद ग्लूटामिक एसिड है, जो मैंने आपको बताया ग्लूटामिक एसिड ही रिप्लेस हो जाता है वैलिन से एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसके बाद हेमोग्लोबिन का जो एबनॉर्मल शेप हो जाता है, जो चांसेस हैं आरबीसी के वो स्फेरिकल से सिकल शेप होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं, इलोंगेटेड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो टेंशन है वो बिल्कुल कम हो जाती है। आरबीसी के नंबर घटेंगे, ब्लड सर्कुलेशन घटेगा, सेकेंडरी इफेक्ट आएगा, जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। ट्रांसमिशन कहां से होगा, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में होगा। अगर दोनों पार्टनर कैरियर हैं सिकल सेल एनीमिया के तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अगर म्यूटेंट जीन है तो 50% चांसेस है वो प्रोजेनी में फैल जाएगा,
ठीक है, याद रखिएगा इतना। इसके बाद हम बारी आती है आगे की ओर, ये आपको डायग्राम से भी दिखा रखा है, देखिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद बारी आती है फिनाइल किटोनूरिया की, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी डिजीज, फिनाइल किटोनूरिया 12th क्रोमोजोम। सबका मैं आपको क्रोमोजोम बता रहा हूं, जैसे फिनाइल किटोनूरिया आया 12th क्रोमोजोम, सिकल सेल एनीमिया आया तो 11th क्रोमोजोम। तो ये सब याद रखिएगा जो बातें मैं बोल रहा हूं। फिनाइल किटोनूरिया ये होता क्या है, ये जनरली इनबॉर्न एरर है, मेटाबॉलिज्म का ही एरर है, 12th क्रोमोजोम पे होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्जन होता है, बीच में एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसमें यही एंजाइम बिल्कुल होता ही नहीं है। अब फिनाइल एलानिन तो एक्युमुलेट होते जाएगा, कन्वर्जन तो होना था उसको टायरोसिन में, लेकिन टायरोसिन में कन्वर्जन तो हुआ नहीं, इसका एक्युमुलेशन हो पाएगा, ठीक है। अब बताओ फिनाइल एलानिन का एक्युमुलेशन हो गया है, मींस फिनाइल पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है और यूरिन में एक्सक्रेटेड हो जाएगा, किडनी में इसका बहुत खराब एब्जॉर्प्शन है, अब ये ब्रेन में जाकर एक्युमुलेट हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन के कंडीशन देखे गए हैं, बड़ा ही खराब कंडीशन है बच्चों, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अब इसके बाद इसी जैसा एक होता है अल्कैप्टनूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज जिसको बोला जाता है, वो भी सेम ऑटोसोमल रिसेसिव का ही केस होता है। इसके बाद बारी आती है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है, क्वालिटेटिव है। सिकल सेल एनीमिया क्या था, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर था, तो इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव ग्लोबिन है, ग्लोबिन सिंथेसिस बिल्कुल कम हो जाता है थैलेसीमिया के केस में। और देखिए थैलेसीमिया में क्या होगा, हेमोलाइटिक एनीमिया भी इसको बोला जाता है, इस डिजीज का एक कैरेक्टर है ये। इसके बाद ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज ये होता है, इसमें अल्फा चेन और बीटा चेन जो हेमोग्लोबिन के हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं उनका सिंथेसिस का रेट, इसके चलते होता क्या है, हेमोग्लोबिन के जो शेप है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ट्रांसमिशन कहां से होगा, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में होगा, दोनों पार्टनर अनअफेक्टेड रह जाते हैं, ठीक है। और इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन बिल्कुल होता है इसमें। इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन थी मैंने आपको बता रखा है, तो जनरली आप याद रखिएगा उसको, थैलेसीमिया, ठीक है। इसके बाद क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स आते हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स जनरली होगा क्या, ड्यू टू एबसेंस या एक्सेस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम, इसके ही चलते ये चीजें होती हैं। पहला चीज हम आते हैं, इसको कैसे आप करेंगे, तो कैरियोटाइपिंग से इसके स्टडी हम कर सकते हैं। पहली चीजें हम आती हैं इसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसमें। डाउन सिंड्रोम क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, एन्यूप्लॉयडी क्या होता है, तो एन्यूप्लॉयडी क्या है, सिंपल सा, पहले आप अगर वो समझना है तो वो समझ लो, एन्यूप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी का केस। एन्यूप्लॉयडी क्या हुआ, क्रोमोसोमल का डिसजंक्शन हो गया, मींस क्रोमोसोम फेल हो गया, सेपरेट नहीं हो पाया वो मियोसिस के दौरान, दैट इज कॉल्ड एन्यूप्लॉयडी। मींस किसी भी क्रोमोसोम का, एक या दो नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, एक या दो क्रोमोसोम का, उसका लॉस या एडिशन हो जाना किसी भी क्रोमोसोम के सेट में, ये सेट इंपॉर्टेंट है यहां पे, उस सेट में गेन या लॉस होना, क्योंकि सेग्रीगेशन के दौरान क्रोमेटिड्स जो होते हैं सेग्रेट, उस दौरान ये फेल हो गए सेल डिवीजन साइकिल में, ठीक है। इसके टाइप हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, हमें वही पढ़ना है। और एन्यूप्लॉयडी तो आपको समझ में आ ही गया, और एक और कंडीशन जो होता है वो होता है पॉलीप्लॉयडी, जैसे यूप्लॉयडी जैसे उसका टाइप होता है, उसमें जनरली क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाना पूरे के पूरे सेट में, लॉस या एडिशन तो होगा ही क्रोमोसोम में। तो याद रखिएगा नॉर्मल डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो किसी भी वन सेट का ही लॉस हो जाना, इंटायर सेट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, डिजीज की ओर। देखिए बच्चे को डिजीज हुआ है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर है, ठीक है। तो हम पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आप ये सुनना है। इसमें डाउन सिंड्रोम जिसमें ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन हुआ है, एडिशनल कॉपी बन जाती है क्रोमोजोम नंबर 21 की, मींस ट्राइसोमी ऑफ 21 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट डिस्कवरी किया था लैंगडन डॉन ने, उसके ही नाम पे पड़ा है ये, ठीक है। डाउन सिंड्रोम सिम्टम्स इसमें क्या आएगा, बहुत सारे सिम्टम हैं, जैसे आप बच्चे को देखो इसमें तो आपको पता लगेगा, जैसे शॉर्ट स्टैचर्ड है सबसे पहली बात, अ स्मॉल राउंडेड हेड देख रहे हो आप, फरोड टंग है, टंग जो है बिल्कुल फरोड बिल्कुल रहता है, रिंकल टंग हो जाता है, ओपन माउथ है, पार्सिल हमेशा खुला हुआ रहेगा, फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट बिल्कुल कमी आ जाएगी उसमें, जो फिंगर टिप्स हैं उन पे लूप्स आ जाएंगे, पाम क्रीज आ जाएगा, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस हो जाएंगे, सोचो कितने नुकसान एक बच्चे को हुआ है। तो ये सब डिजीज एक बच्चा झेल रहा है डाउन सिंड्रोम में। इसके बाद बारी आती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, ये आप समझें, एडिशनल कॉपी बन जाती है एक्स क्रोमोसोम की, जैसे 47 XXY,
मेल है तो मेल के केस में मैस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, फेमिनिन डेवलपमेंट के कारण डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसे गायनोकोमास्टिया का कंडीशन बोलते हैं, मेल्स इसमें स्टराइल हो जाते हैं। जो हमारा सबसे लास्ट केस है डेट इज टर्नर सिंड्रोम, काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्नर सिंड्रोम। इसमें एक्स क्रोमोसोम की कमी आ जाती है, मोनोसोमी आ जाता है, मींस कहें तो 45 है, ठीक है 45 और एक्स नॉट, ठीक है एक्स ओ है, सॉरी 45 प्लस एक्स ओ का कंडीशन है, मींस जिंदा, अच्छा बताओ आप एक्स क्रोमोसोम है क्यों है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए एक्स क्रोमोसोम जरूरी है, एक्स एक्स हो चाहे एक्स वाई हो, आप देख रहे हो सब जगह एक्स है, आप ये बात याद रखना जिंदा रहने के लिए एक्स क्रोमोसोम जरूरी होता है। फीमेल्स के केस में क्या होगा, ओवरीज बिल्कुल रुडिमेंट्री हो जाएंगी, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी जिंदगी नहीं चल पाएगी, इसमें और भी अदर सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनमें कमी आ जाएगी, फीमेल्स इसमें अस्ट्राइल हो जाती हैं। टर्नर सिंड्रोम फीमेल के केस में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होगा वो जनरली मेल्स के केस में होता है, ठीक है। तो आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिखा रखा है जो कि मेल में है, इसके बाद टर्नर सिंड्रोम दिखा रखा है जो कि फीमेल में है। यहां पे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ, आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। जो लास्ट के टॉपिक हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ये याद रखिएगा, और शुरू में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता चुका हूं, आप एग्जाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो देख सकते हो, और अगली जो वीडियो आएगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। देखिए कंट्रीब्यूट आपको बिल्कुल 10 रुपीज करने हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको कुछ भी फायदा हुआ हो यू कैन कंट्रीब्यूट 10 रुपीज फॉर बेटरमेंट ऑफ वीडियोज। Thank you for watching this video. Have a nice day.